hello and welcome to my YouTube channel. As you already know that in the first video lecture we had done uh, up to the sociology in the 50s. हमने यहाँ तक clear किया था कि social gene the 50s कैसे develop हो गई. तो यहाँ से आगे जो हमारा थोड़ा सा जो social gene 50s, 70s और 80s है और उसके बाद post independence era, present era क्या है तो उसको हम समझेंगे. ठीक है तो यहां तक हमने पढ़ा था कि इंडियन सोशल जस्टिस ने बिगिन टू क्रिटिसाइज किया फिर इंडियन सोशल जस्टिस ने क्या किया फिफ्टीज में जो वेस्टर्न के परस्पेक्टिव थे उनको क्रिटिसाइज किया और मॉडिफाई किया और डेवलप नए डाइवर्स सोशालजिकल परस्पेक्टिव इसीलिए जब आप इंडियन सोशालॉजी इंडियन सोशालजिट को पढ़ोगे उनके प्रस्पेक्टिव बहुत सारे अलग होंगे कुछ लोगों ने फॉलो किया था फंक्शनलिज्म को मार्क्सिज्म को इंडियन इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए लेकिन कुछ ने नए परस्पेक्टिव डेवलप किए जैसे हमारे पास इंडियोलॉजिकल परस्पेक्टिव है ठीक है सब सबाल्टर्न परस्पेक्टिव है लवर कास्ट उसको समझना ये इंडिया इंडियन सोशालजिस्ट ने दिया था उसके बाद अगर आप देखोगे कास्ट को समझने के लिए बहुत सारे अलग से प्रस्पेक्टिव है इंटीग्रेटेड अप्रोच जो योगिंदर सिंह ने दिया था वो हमें वेस्टर्न के फिलॉसफी में नहीं मिलेंगे वो इंडियन सोशलिस्ट ने डेवलप किए थे कब डेवलप किए थे 50s में क्या किया था? उन्होंने किया था था उन्होंने क्रिटिसाइज वेस्टर्न को और मॉडिफाई किए थे नए नए ठीक है क्यों इन ऑर्डर टू स्टडी इंडियन सोसाइटी इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए और इंडियन कल्चर को समझने के एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द कोर्स ऑफ द स्टडी ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और ये कोर्सेज में बहुत सारे आपको मिलेंगे डिफरेंट कोर्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में और सिलेबस में भी मिलेंगे ठीक है आगे भी हम इनको पढ़ेंगे फिर क्या हुआ फिर हम बोलते हैं जी डेवलप सोशलॉजिकल डेवलपमेंट इन द सेवेंटीज सेवेंटीज़ में क्या डेवलपमेंट हुआ रिव्यूज़ वायर स्टार्ट इन द वर्क रिव्यू स्टार्ट किए गए रिव्यू का मतलब होता है जैसे आपके पास कोई बुक है जी की किसी ने लिखी है तो उसका रिव्यू किया जाए कि इसने इसमें क्या लिखा है शॉर्ट में एक समरी लिखी जाती है अगर ये चार पेजेस की है तो ये बीस पेजेस का बनेगा रिव्यू इसने इसमें शॉर्ट में क्या लिखा है ठीक है रिव्यूज़ जो कराए जाते जो यूनिवर्सिटीज़ में सिखाए जाते जो पी के बाद करते हैं स्कॉलर्स ठीक है फर्दर रिसर्च वाज मूव फ्राम रूलर टू अर्बन एरियाज़ और रिसर्च को मूव किया गया रूलर से अर्बन एरियाज में स्टडी करने के लिए अब रिसर्च कहाँ किया जाए अर्बन एरियाज़ में भी किया जाए इंटरेस्ट इन द एगरेरियन रिलेशन एग्रेरियन रिलेशन मतलब अर्बन में क्या रिलेशन है गाँव में एग्रेरियन रिलेशन लैंड रिफार्मर्स क्या हुए थे पीजेंट एग्रीकल्चर पे लेबर्स पे एस सी एस टी बिगिन टू अट्रैक्ट ग्रेटर अटेंशन ऑफ द सोशालजिस्ट एस सी एस टी पे रिसर्च किया गया स्टार्ट ठीक है सिक्स एरियाज ऑफ इंटरेस्ट दैट वेर गेटिंग सिंस दटेंशन इन द सेवेंटीज़ सिक्स एरियाज पे सबसे ज्यादा अटेंशन दिया गया सेवेंटीज में किस किस पे सोशलॉजी ऑफ द प्रोफेशन और सोशलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल सोशोलॉजी पे सोशल डेमोग्राफी पे काम किया गया स्टडीज ऑन विमेन याद रखिएगा सेवेंटीज़ में क्या हुआ था सॉरी सिक्सटीज सेवेंटीज़ में किस पे काम किया गया था विमेन स्टडीज पे काम किया गया था कि विमेन स्टडीज पे भी काम किया जाए ठीक है एंड मुस्लिम एंड हिंदू रिलेशन उस पर भी up, काम कब किया गया था स्टार्ट सेवेंटीज़ में ये डेवलपमेंट कब हुए थे जी में सेवेंटीज में ये डेवलपमेंट हुए थे ये बेसिक जो आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद सोशलजी इन एटीज़ एटीज़ में क्या क्या डेवलपमेंट हुए सोशालजी में न्यू एराज ऑफ़ स्टडी वायर इंक्लूडेड इन द सोशालजी नए एरियाज लाए गए सोशालजी में सोशालजी ऑफ डिवेन्स लाया गया जो आपके कॉलेज में आजकल पेपर पढ़ाया जाता है माइनर के सब्जेक्ट्स के लिए थर्ड सेमेस्टर में ये मैंने पिछले साल पढ़ाया था तो उस डिवेंस का मतलब स्टडी ऑफ क्राइम क्राइम को लाया गया इसमें ठीक है सोशलजी ऑफ नॉलेज लाया गया जी जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाया गया ठीक है हिस्टोरिकल जी स्टार्ट किया गया तो स्टडीज जो किए गए स्टार्ट कब किए गए थे ये सेवेंटीज में नहीं सॉरी नाइन्टीज में स्टार्ट किए गए थे तो इनको भी आपको याद रखना है सॉरी एटीज में ठीक है तो इम्पॉर्टेंट आप इन इन चीजों को शो किया गया इन चीजों में भी रिसर्च किया गया रिसर्च का फोकस कहाँ रखा गया कि इस दौरान रिसर्च पे किस कहाँ फोकस किया गया रिसर्च शुड बी प्रमोटेड ऑन द नाइनटीज इन द एरा किस पे सोशलॉजी ऑफ द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्लानिंग और डेवलपमेंट कैसे हो जाएगा इंडिया में प्लानिंग कैसे की जाए डेवलपमेंट कैसे की इस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया गया सोशाली ऑफ ऑर्गनाइजेशन पे ऑर्गनाइजेशन जो बनती थी सोशलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द पॉवर्टी पॉवर्टी पे काम किया गया सोशालजिकल डायमेंशन क्या है पॉवर्टी सोशालिजिस्ट पॉवर्टी किसे बोलते हैं पॉवर्टी होती क्या है कैसे एग्जिस्ट होती है कैसे पॉवर्टी को खत्म किया जा सकता है ठीक है उसके क्या मेजर्स है उस पर रिसर्च काम किया गया लॉ एंड सोशल चेंज पर रिसर्च किया एंड सोशलॉजी ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पे भी काम किया गया यानी कि इन एरियाज पे 90s में 80's में सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया है इन एरियाज़ में रिसर्च फोकस किया जाए ठीक है इन 90s 90s में पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल चेंजेस याद रखिएगा 90s जब भी डेट आएगा आपके पास याद रखिएगा 1991 में इंडिया में सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक चेंजेस आए थे सर क्यों आए थे 1991 में आपको याद रखना है 1991 में एक पॉलिसी आई थी जिसको हम बोलते हैं एलपीजी जिसको हम रियो मनमोहन भी बोलते हैं मनमोहन सिंह ने एक पॉलिसी पास की थी जिसका नाम था एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ था इन्होंने कहा अब हम फॉर को यहाँ नहीं आने देंगे ट्रेड के लिए लेकिन 1991 तक आते आते इकॉनमिस्ट को ये लगा अगर हम अपने बॉर्डर्स नहीं खोलेंगे लोगों के साथ बाहर कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करेंगे उनको यहाँ ट्रेड करने की इजाज़त नहीं देंगे जिसको हम बोलते हैं एफ डी आई फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो डायरेक्ट आएंगे और यहाँ इन्वेस्ट करेंगे यहाँ आने यहाँ ट्रेड खोलेंगे इंडस्ट्रीज खोलेंगे तो हमारी जो इकॉानी है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होगी नाइनटीन तक बॉर्डर्स बंद थे वो क्यों बंद थे क्योंकि कॉलोनियलिज्म हुआ था उसके बाद उन्होंने कहा था अब हम फॉरिन उसको यहां ट्रेड करने नहीं देंगे फिर मनमोहन सिंह ने कहा नहीं आपकी इकॉनमी डेवलप नहीं होगी अगर आप क्या नहीं करोगे लिबरलाइजेशन लिबरलाइजेशन मतलब यहां आप फ्री ट्रेड करने दीजिए ठीक है ग्लोबलाइजेशन पूरे इकॉनमी अपनी इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी के साथ रलाइए ठीक है प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ज्यादा ज्यादा कीजिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज को काम करने दीजिए उससे क्या होगा उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो 1991 के बाद जब ये पॉलिसी पास की गई एल पी जी जिसे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन क्या बोलते हैं हम इसको एल पी जी ठीक है इसको हम रियो मनमोहन भी बोलते हैं तो उसकी वजह से इंडिया में क्या हो? उसकी वजह से इंडियन सोसाइटी में इकोनॉमिक चेंजेस बहुत सारे हैं जो अभी आप देखते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रेड हमारा उनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां का माल यहां आता है यहां का माल उधर जाता है ठीक है तो ये सबसे ज़्यादा कब हुआ था नाइनटी नाइन उसकी वजह से क्या हुआ इसीलिए हम कहते हैं इस इस दौरान सबसे ज्यादा पॉलिटिकल रेडिकल इकोनॉमिक एक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस आए क्योंकि जब हमारा कंटेक्ट बाकी के साथ हुआ उनके साथ ट्रेड स्टार्ट हो गया तो इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए विच फर्दर एक्सटेंडेड द एंडेड द फोकस एंड स्कोस ऑफ इंडियन सोशाली इसने फर्दर एक्सटेंड किया बढ़ाया और स्कोप किसका इंडियन सोशालजी का आई बात समझ में उससे सबसे ज्यादा फोकस बढ़ा फिर रिसर्च का रिसर्च की एरियाज खोले सबसे ज्यादा किसने 1991 में किस पॉलिसी ने एलपीजी ने ठीक है सो इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड फर्दर पॉलिसी ऑफ द मिक्सड इकोनॉमी एंड वेलफेयर ऑफ पीपल और मिक्सड इकॉनमी को फॉलो किया गया इस दौरान ठीक है टू अचीव गोल्स गोल्स अचीव हासिल करने गवर्नमेंट अडॉप्ट न्यू पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी गवर्नमेंट ने नई पॉलिसी लाई थी कांग्रेस की हुकूमत थी रिफॉर्म इन द ईयर 1991 जिसको हम एलपीजी बोलते हैं लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ठीक है तो इसको हम रियो मनमोहन भी बोलते हैं मनमोहन सिंह ने पास की थी सो इम्पैक्ट इम्पैक्टेड इंडियन सोसाइटी ग्रेटली एंज इस कल्चर इसने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किया था इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर को जो अभी हमारे पास कल्चर है फॉरन क्लोथ फॉरन हेयर स्टाइल मोबाइल ठीक है तो उसकी वजह से अभी जो कल्चरल चेंजेस है ये सबसे ज़्यादा कब हुई थी इफेक्ट नाइनटीन तो के बाद लेकिन उससे जी का क्या हो इम्पैक्ट पड़ा इससे जी का सॉरी सुकोप सु, 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 और उसका फोकस सबसे ज्यादा बड़ा उसके लिए रिसर्च एरियाज नए नए खुल गए ठीक है तो उसको हम बोलते हैं जनरेटेड न्यू आइडियाज फॉर इंडियन सोशोलॉजी इसने नए साइट्स खोले जैसे इकोलॉजी एंड सोसाइटी इश्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स ठीक है साइंटिफिक मैनेजमेंट और सोशोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट आया इसकी वजह से ठीक है ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट आया ठीक है तो ये नई नई चीजें मीडिया एंड सोसाइटी आया तो ये नए एरियाज खुले किसके लिए सोशोलॉजी के लिए, लिए किसके लिए रिसर्च के लिए इन सोशोलॉजी इन एरियाज में हम काम कर सकते हैं तो ये क्या था ये था नाइनटीज में देन और फाइनली आपको समझना है

आपको पता है हमने फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी में कहा बॉम्बे यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हो गया टीचिंग ऑफ सुशाल जी इन द बॉम्बे यूनिवर्सिटी एज अर्ली नाइनटीन फोटी ठीक है पहले इसको स्टार्ट किया सॉरी ये गलत है यहाँ पे याद रखना तो पहले स्टार्ट किया गया था इसको फिर उसके बाद इसको खोला गया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी में फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में फिर पुणे यूनिवर्सिटी में फिर साउथ इंडिया में माइसोर यूनिवर्सिटी में फिर इसको खोला गया था ठीक है फिर जाफर नहीं इसको ओस्मानिया यूनिवर्सिटी में करो तो धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हो गया तो आज जो हमारे पास है अभी जो प्रेजेंट स्टेट्स है हमारे पास पूरे इंडिया में सोशलॉजी डेवलप है हर किसी कॉलेज में मोस्टली हर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आई आई टी खोले गए इसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोले गए बड़े बड़े जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है वहाँ सोशलजी पढ़ाई जाती है क्यों क्योंकि वहाँ इसलिए सोशलजी पढ़ाई जाती है मेडिकल रिस् मेडिकल फील्ड में सोशलॉजी पढ़ाई जाती है ताकि सोशल डॉक्टर्स जो है उनको इनके बारे में पता हो सोसाइटी के कल्चर के बारे में मोर्ज फोकस कस्टमर्स ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो फंक्शन करने में ठीक है तो वहाँ भी आजकल ये पढ़ाई जाती है मेडिकल एरियाज में या मेडिकल डॉक्टर्स अभी इसके पोस्ट खोले जाते हैं हॉस्पिटल में बोले जाते हैं जिसको मेडिकल काउंसलर बोले बोलते हैं तो हर किसी जगह सोशलजी को लाया गया है ठीक है ताकि इंसानों को कल्चर के बारे में पता हो कल्चर को वो समझे जिसकी वजह से क्या होगा उनको फंक्शन करने में कोई प्रॉब्लम ना होगी ठीक है तो अगर हम ओवरऑल अभी प्रेजेंट देखेंगे द रैंक ऑफ सोशल कम्स फिफ्थ इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ तो सोशालजी की रैंक फिफ्थ आती है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग सोशल साइंस जो भी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर सोशल साइंस करती है सोशल साइंस मतलब पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमी हिस्ट्री जियोग्राफी ठीक है सोशल एंथ्रोपोलॉजी वुमेन स्टडीज सोशल वर्क ये सब आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन है ठीक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है हिस्ट्री में हमारी आर्कियोलॉजी है तो सोशालजी की रैंक फिफ्थ है इन टर्म्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर सब्जेक्ट करती है ठीक है This shows that from the quantitative point of view the position of social as an academic discipline is not very low kam nahi hai. in spite of the fact that enter in the university curriculum only very recently it has been seen that the postgraduate level postgraduate level pe hai, sociology has established itself as a subject of major importance attracting large number of students next to the economics. इकोनॉमिक्स के बाद सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स किसके होते हैं सोशलॉजी के होते हैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इन सब्जेक्ट्स के बाद सबसे ज़्यादा इन तीनों के बाद सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स की सोशल ये किसके होते हैं स्टूडेंट सोशोलॉजी के ठीक है सो पोस्ट ग्रेजुएट एनरोलमेंट इन द ईयर नाइनटीन से सेवेंटी तक कितना था फोर थाउजेंड नाइन वन एट टेकिंग दोशलॉजी फोर थाउजेंड फोटी टू एंथ्रोपोलॉजी इतने थे ठीक है तो ये धीरे धीरे इसका एनरोलमेंट बढ़ रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल हावर द परसेंटेज हैज़ लिटल हायर फॉर पी एच डी सिक्सटी परसेंट थे ठीक है तो पी एच डी में भी इसके आपके एनरोलमेंट बढ़ रहा है इन द सोशल साइंटिस्ट तो धीरे धीरे जो इसका फील्ड है और यू जी सी रिपोर्ट के मुताबिक टोटल टू फिफ्टी एट फैकल्टी मेम्बर्स ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट सोशल द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज फोर टू फोर्टी थ्री वायर सोशल जो फोर उसमें से यानी दो हजार पाँच सौ दो हजार पाँच सौ एटी uh, टू जो है uh, उसमें से फैकल्टी मेम्बर्स जो हैं वो कितने हैं दो टू फोर्टी थ्री जो है वो सोशल सोशोलॉजिस्ट हैं जो है, सोशोलॉजी है, है, पढ़ा रहे हैं ठीक है तो धीरे धीरे इसका क्या हो रहा है इसका डेवलपमेंट हो रहा है तो प्रेजेंट स्टेटस हमारे पास है हर किसी इंडियन यूनिवर्सिटी में हर किसी कॉलेज में मोस्ट प्रोबेबली क्या पढ़ाई जाती है सोशलॉजी और फिफ्थ रैंक है इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग द यूनिवर्सिटीज़ तो प्रेजेंटली इसका क्या स्टेटस है ये अभी गेट में भी आया है एन टे ने इसको गेट में भी लाया है नेट भी होता है इसका सेट भी ऑलरेडी होता है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी रखे गए हैं जैसे सोशल वेलफेयर के लिए अलग से पोस्टस हॉस्पिटल्स में मेडिकल काउंसलर पोस्ट ठीक है और मेडिकल प्रोफेशन में पढ़ाया जाता है डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है ये नर्सेज को पढ़ाया जाता है क्यों क्योंकि उनको कल्चर के बारे में पता हो ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जाए वाइल कि वो ड्यूटी को प्रिजर्व करे ठीक है सॉरी ड्यूटी को अपनी परफॉर्म करे वहाँ उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो वो सोसाइटी को कल्चर को समझे ठीक है तो ये इसका प्रेजेंट स्टेटस है ओके थैंक्स शुक्रिया होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा अच्छे से तो मैं चाहता हूं आप इसको क्या करें आप इस चैनल को मजीद सब्सक्राइब करें शेयर करें और खासकर अगर आपको कुछ भी इस चैनल से सीखने को मिल रहा है तो कम से कम एक लाइक तो कीजिए ही और एक कमेंट कीजिए अच्छे से कमेंट कीजिए और उससे क्या होता है आपके कमेंट से क्या होता है इससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मोटिवेशन मिलती है फॉर्दर रीडिंग इसके लिए फर्दर टीचिंग इसके लिए ठीक है Okay, thanks. Thanks to all of you.